नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। ये खबर है अडानी ग्रीन्स को लेकर। अडानी ग्रीन्स ने 26 दिसंबर यानी आज अपने एक बोर्ड बैठक में एक बड़ा फैसला लिया। कंपनी के बोर्ड ने करीब 9,350 करोड़ रुपए जुटाने का ऐलान किया है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में ये जानकारी देते हुए कहा कि कंपनी ने प्रेफरेंशियल शेयर के जरिए करीब 9,350 करोड़ रुपए जुटाने का ऐलान किया है। इस खबर के बाद कंपनी के शेयर में तेजी देखने को मिली। कंपनी के शेयर करीब 1480 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे, लेकिन जैसे ही ये खबर आई इसके बाद शेयर में ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली। कंपनी इस फंड का उपयोग अपनी बैलेंस शीट में डी लेवरेज करने के लिए करेगी। साथ ही 2023 तक 45 गीगावाट क्षमता विस्तार के लिए भी इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। अडानी ग्रीन के इस जानकारी के बाद इस शेयर में करीब 6% की तेजी आई। साथ ही कंपनी को उम्मीद है कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन के साथ करीब 8,000 मेगावाट का जो सोलर पावर के लिए परचेज एग्रीमेंट किया है वो भी तय समय में पूरा होगा। कंपनी ने साथ ही 22 दिसंबर को डील का ऐलान करते हुए ये भी कहा था कि सोलर पावर सप्लाई के लिए जो 1799 मेगावाट का चरण है, जो आखिरी चरण है, वो लगभग पूरा कर लिया गया है। साथ ही एक मीडिया रिपोर्ट में कंपनी की तरफ से ये भी कहा गया है कि 2030 तक कंपनी भारत में 500 गीगावाट के नॉन फॉसिल फ्यूल क्षमता के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में भी काम कर रही है। यानी कंपनी जो इस पैसे का इस्तेमाल करेगी वो अपनी कैपेक्स में भी करने जा रही है। अडानी ग्रीन 45 गीगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाने की तैयारी में, साथ ही कंपनी ये मान रही है कि इस रकम के इस्तेमाल के बाद उसके मौजूदा पोर्टफोलियो में एक बड़ा बदलाव होगा। साथ ही कंपनी को अपना डेट करने में भी मदद मिलेगी।